हेलो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं पोइटिक डिवाइसेस। पोइटिक डिवाइसेस आर अ फॉर्म ऑफ लिटरेरी डिवाइसेस यूज्ड इन पोइट्री। दीज आर दोज डिवाइसेस जिनकी हेल्प से पोएट अपनी कविता का क्रिएशन करता है। दीज आर द टूल्स यूज्ड टू क्रिएट रिदम, कन्वे मीनिंग एंड फीलिंग्स। तो पोइटिक डिवाइसेस वह टूल्स हैं जिसकी हेल्प से कवि अपनी कविता में रिदम क्रिएट करता है, मीनिंग क्रिएट करता है और फीलिंग्स के रूप में उसे पेश करता है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि पोएटिक डिवाइसेस टोटल 6 टाइप्स के हैं, स्ट्रक्चरल, रिदमिक, ग्रामेटिकल, मेट्रिकल, वर्बल, विजुअल। तो ये 6 टाइप्स के टोटल पोएटिक डिवाइसेस हैं। फर्स्ट 4 पोएटिक डिवाइसेस आपस में इंटरलेटेड हैं, उसके बाद नेक्स्ट 2 डिवाइसेस को यूज किया जाता है फर्स्ट 4 के लिए। तो सबसे पहले नंबर 1 पे डिवाइस है स्ट्रक्चरल डिवाइस। स्ट्रक्चरल डिवाइस मीन्स कविता की क्या स्ट्रक्चर है, उसकी टोटल लेंथ कितनी है, उसमें नंबर ऑफ लाइंस कितनी है, एक लाइन की क्या लेंथ है, एक लाइन में कितने वर्ड्स का यूज किया गया है, यह सब आता है स्ट्रक्चरल डिवाइस में। उसके बाद नेक्स्ट आता है रिथमिक डिवाइस। रिथमिक डिवाइस मीन्स कविता की ताल, कवि ने उसको एक सॉन्ग के रूप में या एक ऐसी कविता के रूप में लिखा है जिसे हम याद बड़ी आसानी से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बच्चों की पोएम ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, इसे हम आसानी से याद कर सकते हैं। ऐसी पोएम का रिदम बड़ा इजी होता है, जो कि बाय हार्ट सबको बड़ी इजीली लर्न हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है ग्रामेटिकल एलिमेंट। ग्रामेटिकल एलिमेंट मीन्स कि पोएट ने अपनी कविता में ग्रामर का क्या इस्तेमाल किया है, उसने अपनी पोएट ने उस कविता में जो लाइन्स रखी हैं उस लाइन्स में कितनी नंबर ऑफ फ्रेजेस यूज़ की हैं, उन फ्रेजेस को उसने क्या मोल्ड करा है। क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि कवि ने कोई वर्ड एक लाइन से उठाकर नेक्स्ट लाइन में जोड़ दिया होता है, हमें पता तो चल जाता है कि वह नेक्स्ट लाइन का वर्ड नहीं है, ऊपर वाली लाइन का वर्ड है, पर कवि ने इस तरह से उसको जोड़ा होता है कि उसका मीनिंग एक बड़े अच्छे तरीके से पेश किया जाता है। तो यह सब ग्रामेटिकल डिवाइस से वह कवि कर पाता है। इसके बाद 4th एलिमेंट है, वो है मेट्रिकल डिवाइस। मेट्रिकल डिवाइस मीन्स कविता का सुर, उस कविता का सुर लो है या हाई है। इसमें एक्चुअली नंबर ऑफ सिलेबल पर लाइन, पर पोइम और ग्रुप ऑफ लाइंस के अकॉर्डिंग वह मीटर क्रिएट करता है जिससे कविता का सुर बनता है। इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल है एम्बिक पेंटामीटर, जिसको कि शेक्सपियर ने अपनी पोइट्री में स्पेशली सोनेट्स में यूज़ किया है। उसके बाद नेक्स्ट 2 एलिमेंट है वर्बल एंड विजुअल। ये दोनों एलिमेंट कविता की मीनिंग कन्वे करने के लिए कवि का हेल्प करते हैं। वर्बल एलिमेंट मीन्स कि कवि ने किन किन शब्दों का इस्तेमाल किया है, इसमें वह एंटोनिम, सिनोनिम, वोकैबुलरी और दूसरे वर्ड्स का इस्तेमाल करता है जिसको वह कविता में एक अच्छे रूप से पेश करता है। और लास्ट हमारा आता है विजुअल एलिमेंट। विजुअल एलिमेंट मीन्स कि कविता ने उसमें क्या पिक्चर पेश की है, क्या सीन पेश किया है, क्या उसमें कोई इंसान है जो नदी किनारे बैठा है और द पर्सन इज सिटिंग ऑन द हिल टॉप, या इस तरह से कोई और नेचर का सीन पेश किया गया है, किसी घर का सीन पेश किया गया है, या एक मैदान का सीन पेश किया गया है, या बंजर भूमि है। तो यह सब चीज़ें विजुअल एलिमेंट में आती हैं। इस तरह से कवि इन 2 लास्ट एलिमेंट में अपने मीनिंग कन्वे करने के साथ साथ इन फर्स्ट 4 एलिमेंट का इस्तेमाल करता है। तो टोटल इन 6 एलिमेंट का इस्तेमाल करते हुए द कवि इज एबल टू क्रिएट अ गुड पोइट्री। सो एज वी कैन से दैट पोइटिक डिवाइसेस को कवि इस तरह से यूज़ करता है ताकि अपनी कविता को एक अच्छा रूप दे सके। सो दैट वॉज ऑल फॉर द डे।